अब्बास अंसारी ने मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट 9 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगा। अब्बास अंसारी ने मुख्तार अंसारी के कब्र पर 10 अप्रैल को फातिहा पढ़ने की इजाजत मांगी है। इससे पहले जब मुख्तार अंसारी को दफनाया गया था उस वक्त भी शामिल होने की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन उस वक्त हाईकोर्ट की तरफ से परमिशन नहीं दी गई थी। अब अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब्बास अंसारी ने मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी है और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करके इसका जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट 9 अप्रैल को मामले की सुनवाई भी करेगा। तो अब्बास अंसारी ने मुख्तार अंसारी की कब्र पर 10 अप्रैल को फातिहा पढ़ने की इजाजत मांगी है और इससे पहले जब सुपुत्र खाक किया गया था उस वक्त भी अब्बास अंसारी ने शामिल होने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी, मांग की गई थी, परमिशन मांगी गई थी, लेकिन उस वक्त अब्बास अंसारी शामिल नहीं हो पाया था। अब एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और परमिशन मांगी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ में सुशील पांडे जुड़ गए हैं संवाददाता। सुशील, पहले हाईकोर्ट से परमिशन मांगी गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगी गई है फातिहा पढ़ने की, बताइए क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? जी देखिए, साफ तौर से अब्बास अंसारी की तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है कि वो मुख्तार अंसारी के कब्र पे फातिहा पढ़ना चाहते हैं, जो फिलहाल कार्यक्रम 10 तारीख के लिए है, लिहाजा उन्हें इजाजत दी जाए कि वो अपने पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ सके। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस याचिका पर सुनवाई करेगा। 9 अप्रैल की सुनवाई बेहद अहम होगी क्योंकि 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि अब्बास अंसारी को मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने की इजाजत दी जाए या ना दी जाए। देखना यह भी होगा कि यूपी सरकार की तरफ से जो जवाब आता है उस जवाब में यूपी सरकार क्या कहती है कि अब्बास अंसारी को उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने की इजाजत दी जा सकती है या फिर नहीं। ठीक है सुशील, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर लेते हैं फिर उस पर और अधिक आपसे जानकारी लेंगे। तो खबर हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के बेंच इस सुनवाई को कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच द्वारा उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मदरसा बोर्ड की तरफ से सिंघवी ने कहा है कि हाईकोर्ट का अधिकार नहीं बनता कि वो इस एक्ट को रद्द करे। 17 लाख छात्र इस फैसले से प्रभावित हुए हैं। इस फैसले से करीब 25,000 मदरसे प्रभावित हुए हैं और आज तो ये भी कहा गया है, आज जिस तरह से यूपी सरकार की तरफ से एक नोटिस आया कि जो भी मदरसे किसी भी बोर्ड से उनका एफिलिएशन नहीं है उनको तुरंत बंद किया जाए, उनको चिन्हित किया जाए। अब ऐसे में फैसला आ रहा है आज सुप्रीम कोर्ट में से लेकर। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशील कितने बजे से इस पर सुनवाई शुरू हो गई या फिर शुरू हो चुकी है सुनवाई? जी देखिए, इस मामले पे सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है जिसमें मदरसे की तरफ से फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी दलील दे रहे हैं। उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि यूपी सरकार के आदेश के मुताबिक ही तमाम मदरसों में जो पढ़ाने वाले सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिंदी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, वो तमाम फिलहाल चीजें पढ़ाई जाती है। लेकिन जिस तरह का फैसला हाईकोर्ट ने लिया उस फैसले से लगभग 25,000 मदरसे इफेक्ट हो रहे हैं और ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए। लेकिन चीफ जस्टिस इस पूरे मामले में तमाम तथ्यों को देख रहे हैं, तमाम फिलहाल फाइल देख रहे हैं। हालांकि ये भी कहा गया है अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा कि यूपी सरकार के द्वारा ही इस पूरे मामले में इजाजत दी गई थी और अचानक इस प्रकार का फैसला लेना कहीं ना कहीं जो फिलहाल संवैधानिक अधिकार है उसका वायलेशन करता है, लिहाजा इस प्रकार के आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए क्योंकि वहां पर पढ़ाई ना होने की बात नहीं कही जा सकती और जिस तरह यूपी सरकार का रवैया मदरसे को लेकर रहा है उस पूरी प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए। लेकिन चूंकि मामला अब संवैधानिक कोर्ट के समक्ष है तो देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है क्योंकि अभी पहली सुनवाई है तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब करे। लेकिन चूंकि अभी इस पूरे मामले में मदरसे बोर्ड की तरफ से ही वकील अपनी दलील रख रहे हैं, यूपी सरकार की तरफ से दलीलें नहीं रखी गई हैं, लेकिन मदरसा बोर्ड की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि उनके साथ कहीं ना कहीं एक तरफा फैसला हाईकोर्ट ने लिया है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे फैसले का परीक्षण करे। तो देखना बेहद अहम होगा कि थोड़ी देर में
में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है, लेकिन अभी अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी दलील रख रहे हैं। ठीक है सुशील, इस पर आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।